ऐसी जगह आके सुसु और पोटी करने का। और ये 4.5 घंटे खराब रास्ते पर चलाने के बाद, ओ माय गॉड, आगे तो जाम लग गया है। अटल टनल सही है, चाचा चाची चंद्रा ढाबा, बाताल बाताल करके जगह है ये। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों ने हमें बोला था कि चाचा चाची ढाबा आपको लगेगा, आपको अगर कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे आप खा सकते हो। तो हमें अभी भूख नहीं है दोनों को, तो इसलिए हम रुक नहीं रहे, हम लोग चलेंगे आगे। हाँ, बहुत सारे ढाबे, टेंट भी है यहाँ पे, शायद रुकने की भी जगह है, मतलब टेंट वाइज वो बेड वाइज देते हैं बाइकर्स वगैरह के लिए, अच्छा है। बीआरओ वाले ने लेफ्ट में गाड़ी लगा दी, तो दूसरी गाड़ी जा नहीं रही थी, वो लोग यहाँ पे लंच करने बैठ रहे थे, तो अभी ये जो ड्राइवर है वो भाग के जा रहे हैं। देखो ये एकदम बीच में लगा दी है उसने लेफ्ट में शायद। ये अभी गाड़ी साइड में ले रहा है, जगह ही नहीं थी, बहुत ही छोटी जगह थी, जाता ही नहीं था ये तो। क्योंकि राइट साइड में पूरे पत्थर बाहर आ चुके हैं, तो स्क्रैच लगने का डर लगता है। क्या जगह है देखो सुसु पॉटी करने के लिए इतना ब्लिसफुल लाइफ है इनका, ऐसी जगह आके सुसु और पॉटी करने का, ये होता है दी डॉग लाइफ। शूटिंग हो रहा है, हाँ रील शूटिंग, ओह माय गॉड।
और ये ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे खराब रास्ता ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं हाईवे। 5-6 घंटे लगेंगे आपको, 80-100 किलोमीटर का है ये अटल टनल। अभी 12 किलोमीटर दिखा रहा है, मनाली 45 किलोमीटर, और हम लोग अभी लाहौल जा रहे हैं। हम लोग मनाली नहीं जा रहे, तो लाहौल में हमने एक होम स्टे बुक किया है, वहाँ पे जाएंगे अभी। और विजेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो मैं बोल रहा था कि इसको हम खराब पैच नहीं बोलेंगे, पैच क्योंकि छोटा होता है ये, ऑलमोस्ट 80-100 किलोमीटर लंबा खराब रास्ता है। खराब मतलब बहुत ही खराब, तो आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके आइए अगर आपको इस रास्ते से जाना हो तो। क्योंकि एक हमने देखी थी, एक गाड़ी भी फंस गई थी वहाँ पे, बॉर्डर क्रॉस करके शायद पानी चला गया था उसमें, पता नहीं, पर वो फिर खड़े ही थे। एक और एक बाइक भी थी, उसकी चेन टूट गई थी, वो भी बेचारे खड़े थे। तो आप थोड़ा मतलब प्रिपेयर होके आइए। तो हमें बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स मिले, बहुत सारे रफ पैचेस, रफ रास्ते मिले, लेकिन जो नज़ारे थे वो बाय गॉड इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत। वो कहते हैं ना कि मतलब एकदम रफ रास्तों पे जाओ तो ही इतने अच्छे खूबसूरत नज़ारे आपको दिखते हैं। तो इतने सारे झरने बह रहे, ये सब आपको जून में ही दिखाई देगा, बिकॉज जैसे बर्फ मेल्ट होती है तो उसके इतने अच्छे झरने बनते हैं। तो वाटर क्रॉसिंग्स भी ऑब्वियसली होती है, बट लेकिन झरने देखने में बहुत मज़ा आया। और अभी अलग अलग तरह के पहाड़ देखो, मतलब ग्रीन थोड़ा हो गया है सब कुछ, तो नीचे रिवर बह रही है और इतना खूबसूरत, एकदम अलग ही जोन में लग रहा है। तो अभी चलते हैं लाहौल में हमारे होम स्टे की तरफ। यहाँ भी क्यों भीड़ है इतनी, झरना बह रहा है तो सब लोग फोटो खींच रहे हैं शायद, है ना? हमने तो इतने झरने देखे आते वक्त, ये लोग तो मनाली से बस इधर आए हैं शायद। ये झरना, बड़ा सा झरना बह रहा है। यहाँ पे मैगी वैगी सब बिक रही है। हम लोग को कोक्सर से लेके यहाँ तक बहुत ज्यादा भीड़ है। ओ माय गॉड, आगे तो जाम लग गया है। अटल टनल, ये अटल टनल जाने के लिए थैंक गॉड हम लोग आगे जा रहे हैं, बट ये बट हम लोग को लाइन में लगना पड़ेगा। लगते हैं भाई, क्या तो वो है अटल टनल वहाँ पे। लास्ट फरवरी जब हम आए थे, हम लोग उधर से ही यू टर्न लेके वापस चले गए थे। हम लोग, ये सब पूरा बर्फ से भरा था और यहाँ पे अलाउड नहीं था, यहाँ पे अलाउड नहीं था कर रहे थे, तो हम लोग उधर से ही घुमा के यू टर्न लेके वापस भेज दिया था। तो अभी हम इस साइड से एंटर कर रहे हैं, तो देखो कैसे होता है। बट अभी हम लोग अटल टनल की तरफ नहीं जाएंगे, वो हम लोग को जाना है सीधे। बट बहुत भीड़ है यार, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ हम रुक रहे हैं आज के लिए। ये जगह का नाम है येलो ट्रेजर फार्म, ये गोंदला में है। तो ये लगभग सिसू से थोड़ा, आई थिंक 10 किलोमीटर आगे, वहाँ पे अपनी गुरखा घड़ी है। और रूम तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, एकदम बड़ा सा है, बेड वेड भी अच्छा है, सब अच्छा है। और रिव्यूज़ में हमने काफ़ी तारीफ सुनी है इनके हॉस्पिटैलिटी वगैरह की, लेकिन मेन यही है कि ये देखो आज की जर्नी बहुत टायरिंग थी इनके लिए, तो अभी आके मस्ती कर रहे हैं। तो एक ही प्रॉब्लम है कि